वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। व्लॉग में आपका स्वागत है। जीरे वाली लस्सी, आलू गोभी, दाल, टमाटर और रोटी और भाई यहाँ चटनी। और अभी मैं सबसे भाई मेन डिफिकल्ट टास्क जो रहता है ना खाते टाइम, ये देखना कि वीडियो कौन सी चलाए, ये देखे वो देखे ये देखे, हर्ष बेनीवाल देखे, तारक मेहता देखे। भाई हमारे घर में दो पूरे दिन जो टीवी चलता है उसमें से दो चीज़ चलती है, या तो जेठा भाई चलते हैं या भाई खाटू श्याम की कथा या कृष्ण जी की कथा, वो चलती है। और भाई अब इसके अंदर जैसे हनी पाजी और ये सब आ रहा है, समझ नहीं आता क्या देखे क्या ना देखे। बट उस देखने दाखने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि चलो इसको कर देते हैं, अंकुश कासना को इसकी भाई की वीडियोस देखते हैं। गांव में आए वो सब बढ़िया वीडियो बनाता है और यहाँ पे अपना खाना शुरू करते हैं, मिलते हैं। तो भाई एक चीज़ और मैं बताऊँ, जब भी आप आलू गोभी खाते हो ना, एक 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट भाई ये मैगी मसाला अगर आप डालो ना भाई, मतलब मेरा पर्सनल प्रेफरेंस और भाई माधुरी दीक्षित का भी यही रहता है, मैंने जब इसका ऐड देखा था भाई इतनी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। अरे ख़त्म हो गया क्या, ज़्यादा डाल दिया मैंने भाई, इतना ज़्यादा स्वाद आ जाता है ना इसके अंदर, कति रेस्टोरेंट भी फेल है इसके आगे, एक नंबर बन जाती है भाई। चलो मैं खाना खा लेता तो भाई फटाफट। तो भाई रोटी खा के यार मैं ना सो गया था, फिर अब मैं 6 बजने वाले हैं, मैं अभी उठा तो ऐसा कुछ काम भी नहीं है। हाँ एक चीज़ है कि रील वगैरह जब हम डालते हैं ना, और हमें लिफ्ट बुलानी भूल गया, रील वगैरह जो हम पोस्ट करते हैं हर रोज़ जब भी, यार इंस्टाग्राम की रील बनाना यूट्यूबर बनना भी बहुत आफत है। अब समझ नहीं आ रहा आज क्या रील डालूँ, बट थोड़ा सा कंजस्टेड सा भी फील हो रहा था घर पे, अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों अपने भाइयों के पास गोदाम जाया जाए। और कोई ये मत कहना कि ये ओडी पिछले व्लॉग में भी थी और ये भी अभी पहन रखे है भाई, अभी मम्मी ने सर्दियों के कपड़े निकाल ही नहीं है। और हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि सर्दी के कपड़े 12 के 12 महीने अलमीरा में लग रहे, गर्मी के टाइम गर्मी के निकलते, सर्दी के टाइम सर्दी के। तो अभी एक वाली ये यही उड़ी निकली हुई है बाहर, अरे राम ये वाली उड़ी निकली हुई है क्योंकि ये पतली भी है। अब वो एक ब्लैक वाली हो बहुत गड़ी मोटी हो जाती है, तो मैंने सोचा यही पहन लेता हूँ। रात को उस साइड से आता हूँ, रात 1-1.5 बजे ठंड हो जाती है, तो हम चलते हैं गोदाम पे। ओके गैंगरेंड भाई की वाली जो ओला है ना, इसमें उन्होंने एक नया फीचर डिस्कवर किया है। कौन सा डिस्कवर है भाई? वो पार्टी मोड करके दिखाना भाई क्या होता है वो। अभी देखो लाइट ना बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं है। टेस्ला में होता पता है? तो ये आपकी टेस्ला ही है भाई, देख रहे भाई ये डिस्को सी होती है। ये नहीं है पेरी पेरी सॉस वाले, इस पर डोरिटोस लगा लगा खा देते। सोनू भाई पहन ली नई टी शर्ट, एक दिन तो डट जाया करो भाई, ना धोके पहन रही है तो कहीं बाहर फंक्शन में पहनते। ये भाई अपने चाचा जी की दुकान है सेक्टर 10 वाले, तो भाई डेली यूज में लगता है। पहले थोड़ी सी दिखी नहीं भाई, YouTube पे ऐसे भिखारी वाला हाथ करे अच्छा लगेगा। सब्सक्राइबर की वीक है भाई, सब्सक्राइबर है। तो भाई लग से भाई नहीं मान रहा, अब चिली पटेटा खाने ले आया, कभी कुछ चाउमीन भी करवाई है। बर्थडे भाई इसका लक्ष्य का विश कर दो, हैप्पी बर्थडे भाई। चाहिए तो भाई अब पत्ते पुत्ते एक ले लिया भाई। तो गाइस मैं तो मस्त सो रहा था अपना, फिर मेरे पास लगातार 2-3 कॉल आते, एक प्राणी के जिसका नाम है कौशल चौधरी, कि भाई घर के नीचे आ रहा हूँ और रीलें बनानी है। पता नहीं कितना ही शौक है भाई रील बनाने का, जब देखो रील बनानी है और डालते एक नहीं है, बनवा लेंगे इतनी डालते एक नहीं है। अब देखता हूँ मैं तो भी सोसाइटी में हूँ कि कहाँ है कहाँ नहीं भाई, एक बार इसका 0-2 कुछ करके देखता है। भाई ये हमारा जहाज और ये रहा भाई वैभव का जहाज, लैंड हो रहा है ना, शॉट ले रहा है, ये देखो भाई। भाई कितने का जहाज है ये? जितने की आपकी एक सर्विस होती है। ओके 1 लाख की मतलब 1.80।
एक पैड के साथ। अच्छा ओके, ब्रेक पैड और बुशेस के साथ। नहीं बुशेस नहीं, बुशेस ही 120 के भाई। तो भाई अब ये एक लोकेशन है जिस पे हम अभी रील वगैरह बना रहे हैं। ये वैसे तो है किसी प्राइवेट प्लॉट्स वाले जो एरियाज नहीं होते, जैसे यहाँ 500-700 गज के जो कट जाते हैं डोर का। क्या यार ऐसे क्या कहता है रील के लिए, रील जैसे ये लोकेशन बढ़िया लग रही है, रील शूट वूट करने के लिए लोकेशन ली जा सकती है भाई। जिस पे पैसा वो बोले, जब मेरे पे 10 रुपए नहीं, मैं क्यों बोलूं भाई। और भाई ये भाई है, भाई एक चीज बताओ, जैसे आप ये रील रूल बनाते हो, कभी जैसे मेरे को ना कई बार ना एक प्रेशर सा फील होता है कई बार कि यार आज रील डाल दी, अब कल एक और रील डालनी है, आज इस पे मेरी रील जाएगी नहीं जाएगी। भाई मोटिवेशन में बता तो कैसे मिलती है, मोटिवेशन ऐसे मिलती है कि भाई जब एक बार रीच हो जाती है ना, उसके उसे छोड़ो ही मत, डेली डालते रहो बस, और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, मजाक से। ये जो लास्ट वाली बात थी इस पे थोड़ा सा दम है कि ऊपर वाले पे भरोसा, कि मन में रख विश्वास हमें शिव के दास, बट बात यही पड़ जाती है। अब जैसे मेरी रीच पहुंची, फिर एक टाइम पे फिर वो गिर गई, अब फिर जब गिर जाते फिर नहीं जी करता। जितने ब्लॉग्स पे मेहनत करता है जा रहे हैं तो मतलब ठीक ही चल रहा है। अब एक वीडियो की बात है, एक वीडियो हिट करता है 1 लाख उसके, ये वाली बात तो है। अब जैसे कई लोग जो अन्य यूट्यूबर है इस देश में, वो गाड़ी ले लेते हैं, सामान ले लेते हैं, अंडर और अनलेस उनका इतना तगड़ा रिस्पांस नहीं आता। यहाँ इन्होंने पहले इतनी गाड़ियाँ ले ली भाई, मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो के लिए। यूट्यूब वीडियो के लिए नहीं, मैंने काम करवाया, वो भी ये शौक चीज है। यूट्यूब ऐसे नहीं कि भाई यूट्यूब से ही मेरा सब कुछ चल रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब जो इनकी ये जो वाली जो गाड़ी है, ये वाली जो ऑडी है, ये 6 महीनों के लिए नहीं है, ये 7 महीनों के लिए। ये भाई ये कोई थर्ड हैंड या सेकंड हैंड या सही बात बोली भाई, इल्यूजन कार से ली हुई नहीं है, किसी भी कार से ली नहीं है। अब भाई इनकी जितना ब्योत, अब मेरे ब्योत में ये आता है, फोन आता है, लैपटॉप आता है, मैं अपने ब्योत से, तो थोड़ा सा रिस्पांस दिखा दो, थोड़ा सा हमें भी एक पॉजिटिव हो जाती है। जब तुम लोग ये चीज करते हो ना, तुम्हें पता चलेगी कि जब तुम एक चीज रोज कर रहे हो और जब दो लोग ही देख के जा रहे हैं, बेशक वो मैं ही हूँ और एक मेरी माँ है, तो वो चीज थोड़ा सा करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और तुम मतलब अपने सजेशंस भी दे सकते हो कि भाई ये वाली चीज मत करो, केसी भाई टी शर्ट भी मत पहनो, नंगे चलोगे तो ऐसे ऐसे करोगे, सजेशंस हम बिल्कुल करेंगे। अब भाई जैसे मैं ना थोड़े दिनों में चैलेंजेस लेने वाला हूँ कि लगातार यहाँ से जयपुर R15 वाली बाइक पे कंटिन्यू, मतलब सीट से भी नहीं हिलना, ऐसे ऐसे चैलेंजेस, मतलब जो भी चैलेंजेस, कोई चैलेंज तो दे कि ये वाली वीडियो में तुम करके देखो, भाई वो बिल्कुल करेंगे। दोस्त ही देंगे, दो मित्र जो देख रहे हैं ना वो ही डालेंगे, वो दो मित्र, एक तो भाई मैं ही हूँ, एक मेरी मम्मी है। तो अब हमने वीडियो वाडियो ले ली, कवर लग रहा है ना मस्त, बिल्कुल ऑमलेट सा, जैसे काला ऑमलेट आता है। अब भाई आगे चलते हैं, प्लाट देख लिया यहाँ पे, वैसे गुस्से ही कह के थे कि भाई मल्होत्रा साहब का प्लाट है, उसने भेजा है, कह रहे ठीक है। अब इनकी शक्ल है भी थोड़ी अमीर सी, तो भेज दिया उन्होंने। तो चलो भाई मिलते हैं आगे, देख रहे हो भाई आ गए अपनी सोसाइटी में। बढ़िया सोसाइटी भाई तुम्हारी, शांति है भाई, इसका नाम ही शांति विहार है, सोसाइटी में भी शांति शांति है। हाँ इसका नाम ही शांति विहार है। बीएचके पेंट हाउस भी है क्या कोई? भाई पेंट हाउस तो लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, ये देखो ये मैक्स कितने बीएचके हैं? देख 5 बीएचके, वो सामने वाली सोसाइटी में 5 बीएचके है, मेरे वाला 3 बीएचके है, 3 बीएचके प्लस स्टोर रूम। कितने स्क्वायर फीट का है? 2000 स्क्वायर फीट, 1950 कुछ का है, मतलब वही हाँ। शांति तो है भाई, शांति शांति है। और ये भाई इनका इनका खुद का स्कूल है जिसके अंदर आपने थार घुसाई थी, कह रहे थे अगले दिन मेरे को। अच्छा स्कूल था क्या? मेरे को लगा ऐसे कोई जवंतरा। ये स्कूल है, साइड वाला हॉस्पिटल है। टाइम जल्दी फ्री हो गया, जिंदगी में पहली बार इतने इस टाइम पे फ्री कर रहे हो आप मेरे को। कोई नहीं भाई, चल ले आजा घर चल ले ना भाई। मैं तो गोदाम जाऊंगा, अपने भाइयों के पास जाएंगे, काम है वहां पे थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये दिख रही है 0365, इससे बच के चलना हमेशा, ये मेरी स्कूटी है। ठीक है अब यार भाई कहीं डिवाइस ले लेना। तो
भाई क्या हाल है भाई? कुछ नहीं यार, पैर में। तो भाई ऐसे अभी फार्म हाउस पे जा रहे हैं डागर भाई के, नकुल भाई भी है। नकुल भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया। सेक्स सी भाई, आप भी हाथ मिला लो भाई, आप जाने वाले भाई, आपकी वजह से बहुत दर्द हुआ मेरे को। और भाई विशु भाई वीडियो बना सकता भाई? देख लो ऐसा सब कुछ पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, पत्थर नहीं भाई, पूरा सिस्टम का। घर आ लिया और विशु भाई ने गाड़ी साइड में लगा दी दीवार में। तो भाई देख लिया आज लोग, लोग ठीक है भाई? टाटा भाई, भाई को फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके सोने भाई, ओके बाय बाय, ओके बाय।